हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स पर टॉपिक करने जा रहे हैं। चलिए, पहला करंट अफेयर्स का टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी 2020 को सेलिब्रेट किया गया है। ये बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को प्रमोट करने के लिए इस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ष 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का मेन थीम था लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को बात करें तो इसका ऑर्गेनाइज्ड यूनेस्को के साथ साथ सीआरआई यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिनरिटी के द्वारा संयुक्त रूप से इसे कंडक्ट किया गया था। चलिए अगला देखिए, बर्थ टूरिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यानी कि यूएसए के द्वारा बर्थ टूरिज्म को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया गया, यानी ऐसी महिलाएं जो पहले से प्रेग्नेंट है उन महिलाओं को यूएसए में आने के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा। ऐसा डिसीजन यूएसए की सरकार के द्वारा लिया गया, यानी बर्थ टूरिज्म को पूरी तरह से प्रोहिबिट राइट नाउ यूएसए की सरकार ने अपने देश में कर दिया है। चलिए अगला देखिए करंट अफेयर्स, नेशनल वोटर्स डे 2020। 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस है राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के बीच में वोटिंग को लेकर के जागरूकता फैलाना। अतः इसका नेशनल वोटर्स डे का थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर देखते हैं, अभी हाल ही में 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की 6ठी अनुसूची काफी ज्यादा चर्चे में रही है। यहां पर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये प्रपोजल ट्राइबल मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 जनवरी 2020 को भेजा था। यहां पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर 6th शेड्यूल्स में अगर लद्दाख को शामिल कर लिया जाता है तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। यहां पर पहले से ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 5th शेड्यूल्स के द्वारा ट्राइबल एरिया का स्टेटस दिया गया, जबकि हाल ही में ट्राइबल मिनिस्ट्री ने एज ए लद्दाख के लिए कहा है कि इसे 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए, अतः इसका रिकमेंडेशन भेजा है। अगर 6th शेड्यूल्स में अगर लद्दाख को शामिल कर लिया जाए तो इसके दो सबसे मेजर बेनिफिट हैं जो लास्ट में है, ध्यान से देखिए। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल्स में शामिल कर लिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में यहां पर आने वाले दूसरे शहरों के लोग या दूसरे क्षेत्रों के लोग इन क्षेत्रों में जमीन परचेस नहीं कर सकते और ना ही यहां पर सेटल हो सकते हैं। अतः डेमोग्राफिक को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर 6th शेड्यूल्स में लद्दाख को अगर शामिल कर लिया जाता है तब ट्राइबल कम्युनिटीज से रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के द्वारा ही इस एरिया में लॉ बनाया जाता है, अतः इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां पर सीधे सीधे इतने न्यूज से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में ट्राइबल मिनिस्ट्रीज ने किस क्षेत्र को एज ए 6th शेड्यूल्स में शामिल करने का रिकमेंडेशन किया है, आंसर इज आपका लद्दाख। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नए अपडेटेड ऐसे वीडियो आपको करंट अफेयर्स के मिलते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।